चलिए आज हम बनाते हैं चना दाल की स्वीट। बहुत ही अच्छी है और बहुत मस्त है। इजीली ट्रेडिशनल तरीके से बनाई है। मैंने जो बाउल दिखाया ना, वो भर के चना दाल लेना है 1.5 कप। इसको आधा घंटा एक घंटा उसको भिगो के रख दीजिए और फिर बॉईल करके उसे क्रश कर लेना है। और शक्कर भी मिला के इसके लिए हमें 1 कप बाउल है ना भर के, हमने 1 1/2 कप मतलब 1.25 कप शुगर ली है। बस ये अभी गैस हमने स्लो टू मीडियम में करना है और इसे लगातार चलाते रहना है। इलायची नटमेग पाउडर भी आप मिक्स कर दीजिए और सारा हमने अभी एक की तरफ से मिक्स करते रहना है। बस आराम से, पहले थोड़ा लगेगा कि टाइट लग रहा है, धीरे 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 लूज हो जाएगा। फिर ये जो शुगर का पानी हुआ ना, वो जल जाएगा और कंसिस्टेंसी कुछ ऐसे ही बुलबुले आने लगेंगे। फिर थोड़ा और अभी चलाना है, तो इसे हार्ड होने तक करना है। जैसे हम बेल सके ना स्टफिंग भर के, हम ये पूरन पूरी का पूरन बना रहे हैं, तो पूरन में थोड़ा संभाल के करना पड़ता है। वो उड़ता भी है, तो उसे स्लो गैस में ही करिए। बस इसे लगातार चलाते रहना। और ये चम्मच है ना, वो खड़ा रहना चाहिए। जब खड़ा रहे तब वो रेडी हो जाता है। तो ये उसका टिप्स है। तो आज टिप्स और ट्रिक के साथ हम ये पूरन बना रहे हैं और एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी है। बहुत लोगों के लिए नया होगा और बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नया होगा। तो ये बहुत ही इजी है, जैसे आप आलू परोठा बनाते हैं ना वैसे ही होता है, बहुत ही इजी है। अगर आपका पूरन ढीला हो जाए तो रवा को थोड़ा फ्राई करके डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। व्हीट फ्लोर में हमने ज़्यादातर ऑयल डाल के, इसे पिंच सॉल्ट डाल के हमें आटा बनाना है। बस इसको बड़ा सा रोटी बेलना है और स्टफिंग भर के इसे पूरी तरह से बंद कर दीजिए, कहीं से भी स्टफिंग ना निकले। और ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा है ना, वो निकाल दीजिए। बस इसे ऐसे गोल 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 घुमाते 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 निकल जाएगा। फिर उसको दबा के रोटी बेलते हैं ना, आराम आराम से बेलना है। थोड़ा सूखा आटा ले लीजिए। तो ये एकदम घर पे बनी हुई स्वीट बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। बाहर बहुत महंगा मिलता है, घर में आसानी से आप सस्ते में बना सकते हैं। बस इसे अभी आराम से इसको पका लेना है। आराम से ही तवे में डालना, कोई गाय गाय मत करना, नहीं तो टूट जाएगा। इसी तरह हमें इसे दूसरा भी रेडी करना है। जब आपको लगता है कि सूखा आटा ऊपर से डालना है तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे हल्का सा सेक कर तैयार करना है। बस वो कच्चा नहीं है, अंदर से पूरन दिख रहा है। इसी तरह हम दूसरा भी बना के रेडी कर लेंगे। आपको और भी बड़ा पतला बनाना है तो भी बना सकते हैं, पर पूरन बाहर ना निकले ध्यान रखना। बस अभी रेडी हो चुकी है, तो घी के साथ खाइएगा, ऐसे ही खाली मत खाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।